आज हम कंपेयर करेंगे एम आई टीवी 5 प्रो को वन प्लस टीवी Q1 से, देखेंगे कौन सा टीवी ज्यादा बेटर है स्पेसिफिकेशन में और कौन सा टीवी ज्यादा बेटर है वैल्यू फॉर मनी के लिए। तो हे गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। चलिए इसको वीडियो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आती है डिस्प्ले साइज। डिस्प्ले साइज एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है टीवी खरीदने के लिए। वहीं भी आपको वन प्लस सिर्फ एक ही ऑप्शन देता है 55 इंच का आपको अगर टीवी खरीदना हो तो, और लेकिन आपको एम आई टीवी में आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं 55 इंच, 65 इंच एंड 75 इंच की। अब डिस्प्ले साइज में मैं बेनिफिट दूंगा एम आई टीवी को, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं जब आप टीवी खरीदने जाते हैं। सेकंड चीज़ आती है डिस्प्ले क्वालिटी। हम टीवी में डिस्प्ले क्वालिटी कंपेयर करते हैं NTSC कलर गैमेट से। इसको इजीली समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, NTSC कलर गैमेट एक टेबल है, इसके अंदर हम देखते हैं कि ह्यूमन आई जितने कलर्स देख सकते हैं उसमें से कितने परसेंट कलर आपके टीवी का डिस्प्ले शो कर सकता है। तो उसमें वन प्लस की टीवी ने स्कोर किया 120%, उसी जगह आपके एम आई टीवी 5 प्रो ने स्कोर किया 108%। तो ओवरऑल हम देखें तो वन प्लस टीवी का जो डिस्प्ले है वो बेटर क्वालिटी का है कम्पेयर टू एम आई टीवी 5 प्रो के। थर्ड चीज़ रैम एंड स्टोरेज। वन प्लस की टीवी में आपको देखने मिलती है 3 GB रैम एंड 16 GB स्टोरेज, उसी कंपेयर में आपको एम आई टीवी 5 प्रो में देखने मिलती है 4 GB रैम एंड 64 GB स्टोरेज। मतलब रैम एंड स्टोरेज, अगर आप टीवी को लॉन्ग टाइम तक चलाते हैं तो एम आई टीवी आपका ज़्यादा फ्लूड चलेगा और ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर पाएगा। अब मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा स्टोरेज बेनिफिशियल है क्योंकि दोनों स्मार्ट टीवीज हैं, ज़्यादा स्टोरेज आपको काम आ सकते हैं एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए या गेम्स इंस्टॉल करने के लिए। फोर्थ पॉइंट प्रोसेसर। प्रोसेसर में हम सबसे पहले बात करते हैं CPU की। CPU अगर देखें तो वन प्लस की टीवी में एक MediaTek का CPU है जो Cortex A53 पे बेस्ड है, जिसके अंदर 4 कोर्स प्रेजेंट है 1.8 GHz के। उसी जगह पे हमारे एम आई टीवी 5 प्रो में आपको T972 प्रोसेसर देखने मिलता है, जिसके अंदर Cortex A55 बेस पे 4 कोर मिलती है 1.9 GHz पे। मतलब ओवरऑल एम आई टीवी 5 प्रो का CPU बेटर है वन प्लस के CPU से। ग्राफिक्स GPU की GPU देखें तो आपको मालिका G51 मिलता है वन प्लस में, और वहीं पे एम आई टीवी 5 प्रो में मिलता है मालिका G31। मतलब GPU ज़्यादा बेटर मिलता है आपको वन प्लस में। तो ओवरऑल आप देख ही सकते हैं CPU बेटर है MI में, GPU बेटर है वन प्लस में। उसके बाद हम बात करें प्राइसिंग की। प्राइसिंग में अगर बात करें तो वन प्लस में आपको दो टाइप के टीवीज मिलते हैं, टीवी Q1 एंड टीवी Q1 प्रो। बेटर अगर आप चाहें तो ले सकते हैं Q1 प्रो स्पीकर्स की वजह से, वरना दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। देखें तो टीवी Q1 की प्राइसिंग है 70,000 और Q1 प्रो की प्राइसिंग है 1 लाख। उसी जगह अगर हम MI की बात करें, 55 इंच की प्राइसिंग है 37,000, 65 इंच की प्राइसिंग है आपको 50,000 एंड 75 इंच की प्राइसिंग है 1 लाख। तीनों में सिर्फ साइज का फर्क आता है और कोई फर्क नहीं आता, आप कोई भी साइज ले लें आपको सारे स्पेसिफिकेशन सेम ही देखने मिलेंगे। तो ये है दोनों का एक पेपर बेस्ड कंपैरिजन, वन प्लस के टीवी Q1 का और एम आई टीवी 5 प्रो का। आप कमेंट करिए कि आपको कौन सा टीवी ज़्यादा बेटर लगता है स्पेसिफिकेशन के मामले में, और अगर आपको कोई टीवी खरीदना होगा तो आप कौन सा खरीदेंगे। अगर मेरे वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को जो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप में और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें, उन्हें कहें मेरे वीडियोज़ को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।